हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। और मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसका कंटेंट आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपका कोई सजेशन है इसको वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए या किसी और टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सजेशन जो है वो ज़रूर दे सकते हैं। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैसेज राइटिंग। लगभग क्लास सिक्स ऑनवर्ड्स ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, डिपेंड करता है कि स्कूल में किस क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैसेज राइटिंग बेसिकली क्या होता है और इसका इसके रूल्स क्या हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, और एक सैम्पल एक्सरसाइज हम देखेंगे कि मैसेज बेसिकली लिखा कैसे जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अच्छे नंबर आप कैसे ला सकते हैं मैसेज को अच्छा ड्राफ्ट करके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे मैक्सिमम नंबर इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं, तो इस बारे में बात करेंगे। मैसेज राइटिंग पहले समझते हैं क्या, उसके फिर फंडामेंटल रूल्स क्या हैं, फिर क्वेश्चन जो आता है एग्ज़ाम में उसको हम कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, दो तीन तरीके से आता है, और उसको फाइनली उसको ड्राफ्ट हम कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए पहले बात करते हैं कि देखिए मैसेज होता क्या है। इंग्लिश ग्रामर में अ मैसेज इज अ शॉर्ट एंड कंसाइज फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मेंट फॉर सम पर्सन। मैसेज एक बेसिकली फॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे लेटर राइटिंग है वो भी एक तरीके का मैसेज है, नोटिस राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, एसे राइटिंग है, ये सब देख के बेसिकली दीज आर ऑल फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। बुक रीडिंग है, बुक्स लिखना, ये सब रिटन कम्युनिकेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। उसमें जो मैसेज है वो मैसेज एक बहुत ही शॉर्ट, एक बहुत ही प्रसाइज और बहुत ही कंसाइज का मतलब बिल्कुल शॉर्ट एंड टू द पॉइंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, एंड इट इज मेंट फॉर सम पर्सन इन जनरल। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो पर्सन कौन हो सकता है, वो आपका पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, कलीग कोई हो सकता है, आपका कोवर्कर हो सकता है, क्लासमेट हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इट कुड बी जस्ट एनीबॉडी इन दिस होल वर्ल्ड। अब देखिए मैसेज का पर्पस क्या, लिखने का मैसेज क्यों लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आप घर पर हैं या आप घर पर नहीं हैं, जैसे मान लीजिए फ़ोन आता है आपके फ्रेंड का, और वो फ़ोन आजकल जैसे इमेजिन नहीं करना कि आजकल तो भाई सभी के पास स्मार्टफोन्स होते हैं, तो बजाय हम मैसेज क्यों लिखें किसी के लिए, वो इसको डायरेक्ट फ़ोन ही ना क्यों क्यों ना कर ले, बात वो नहीं है। बात यह है कि मैसेज को एक्चुअली ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, उसका तरीका क्या है लिखने का, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई, वो बात एक अलग है, तो उन सबको किनारे रखते हुए हम बात करेंगे कि मैसेज बेसिकली हम ड्राफ्ट कैसे करते हैं। कुछ बातें हैं जो बहुत ध्यान में रखने के लिए हैं, उनको बातों को आप सीख लें, समझ लें, और जो फॉर्मेट है उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से, और उसके बाद एक क्वेश्चन का। देखिए अ मैसेज शुड बी शॉर्ट प्रसाइज एंड टू द पॉइंट। मैसेज का जो कंटेंट होता है, मैसेज इज नॉट लाइक ए लेटर, ना ही वो नोटिस होता है जिसमें काफी समय होता है लिखने के लिए, बिल्कुल ब्रीफ और टू द पॉइंट उसमें बात कही गई होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने आपको किसी ने कहा है कि भाई ये बात किसी को बताना है, या टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के बेसिस पर आपको मैसेज कोई लिखना है, तो वो जो भी बात है बिल्कुल टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, प्रोसाइज होनी चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट होनी चाहिए। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई मेंशन द डेट एंड द टाइम ऑफ द मैसेज क्लियरली एट द टॉप लेफ्ट हैंड साइड। जहां पर आप मैसेज लिख रहे हैं, एग्जाम में लिख रहे हैं, आप नोटबुक पर लिख रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैसेज में डेट जरूर लिखनी चाहिए। अब ये डेट उस दिन की लिखी जाती है जिस दिन आपने मैसेज रिसीव किया है। टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टाइम आपने मैसेज रिसीव किया, वो टाइम भी क्लियरली टॉप लेफ्ट हैंड साइड पर मेंशन होना चाहिए। डेट के कई फॉर्मेट है जो सबसे कॉमन फॉर्मेट है, उसमें आजकल जैसे आज नवंबर 10th है, तो 10th नवंबर 2023 या नवंबर 10th कॉमा लगा के 2023, ये आज बिल्कुल एक्सेप्टेड फॉर्म है डेट लिखने का। फिर उसके नीचे आप टाइम लिखिए। नेक्स्ट आता है राइट द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का
डिपेंड करता है कि भाप आप किसके लिए लेटर लिख रहे हैं। आप फादर के लिए लिख रहे हैं, मदर के लिए लिख रहे हैं, सिस्टर के लिए लिख रहे हैं, तो आप अपने मदर को डियर मदर, डियर फादर, डियर सिस्टर कह के कुछ भी आप उसमें लिख सकते हैं। डियरेस्ट फादर, डियरेस्ट मदर, माय लविंग फादर, माय लविंग सिस्टर, माय लविंग ब्रदर, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। फ्रेंड के लिए अगर मैसेज लिख रहे हैं, डियर फ्रेंड, फ्रेंड का नाम जरूर उसमें आप ज़रूर लिखिए कि किस फ्रेंड के लिए मैसेज है। नहीं तो नाम लिखने का मतलब है कि आप अधूरी जानकारी दे रहे हैं। इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन द मैसेज, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो मैसेज में जरूर होनी चाहिए। कैसे होती है हम इसके अगली स्लाइड में बात करते हैं। शॉर्टली ब्रीफली मैं बता देता हूँ कि भाई देखो, जैसे आप टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है उसके बेसिस पर आपको कोई मैसेज लिखना है। जैसे मान लीजिए आप घर पर नहीं है और आपकी मदर ने फ़ोन पिक किया और अब फ़ोन, वो फ़ोन है आपके फ्रेंड का जो आपसे कह रहा है कि जैसे कि कल मान लीजिए कि उसको किसी स्कूल में प्रैक्टिस मैच है और वो मैच कैंसिल हो गया है। ऑलराइट, तो ये मैसेज अब अपने मदर को अपने बेटे को देना है क्योंकि मदर कहीं जा रही है और वो चाहती है कि टाइमली वो मैसेज बच्चा पढ़ ले ताकि कोई अगले दिन के लिए कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई किसने कॉल किया, हु कॉल्ड। दूसरा कि मैसेज क्या है और तीसरा कि उस वो एक्चुअली चाहता क्या, वो आपसे क्या कहना चाहता है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो मैसेज में जरूर उसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट क्या, मैसेज इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग, वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा 50 शब्द सारे मिलाकर। इसमें कंटेंट दो, मेन कंटेंट जो होता है वो 2-3 लाइन का ही होता है। नेक्स्ट, मेंशन योर नेम क्लियरली एट द एंड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने मैसेज, जिस भी व्यक्ति ने वो मैसेज रिसीव किया है उस रिसीवर का नाम मैसेज के एंड में जरूर होना चाहिए। सिग्नेचर का जरूरत नहीं है, नाम ही काफी है इसमें, केवल आप अपना नाम लिख दीजिए। दूसरा क्या, राइटिंग सब्जेक्ट इन द मैसेज इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें सब्जेक्ट लिखने का कोई जरूरत नहीं, बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज फॉर्मेट होता है। तो इसमें देखिए दो चीज ध्यान रखने वाली बात है, सिग्नेचर का कोई जरूरत नहीं है उसमें, देयर इज नो सिग्नेचर रिक्वायर्ड, सब्जेक्ट लाइन का रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि आप लेटर नहीं लिख रहे हैं। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, अपना नाम जरूर लिखना है उसमें, डेट लिखनी है और नीचे टाइम जरूर लिखना है। नेक्स्ट क्या, मेकिंग बॉक्स इज मैंडेटोरी, कुछ मैंडेटोरी अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है, लोग वैसे मैंडेटोरी बोलते हैं इसको। बॉक्स, मैसेज पूरा ड्राफ्ट करने के बाद उसको एक बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है, इसके चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट, ट्राई टू राइट द मैसेज इन ए नीट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड हैंड राइटिंग, ध्यान रखें थोड़ा सा जो ऐसी हैंड राइटिंग में लिखें कम से कम वो मैसेज पढ़ने में आ जाए, इतना भी जल्दीबाजी में ना लिखें कि वो मैसेज वो पढ़ने में ही नहीं आ रहा है, तो फिर मैसेज का फिर वो पर्पज ही पूरा नहीं होता कि सामने वाला वो मैसेज पढ़ ही ना सके, या मैसेज में कुछ ऐसा लिखा है जो उसकी समझ के बाहर है और वो सारा का सारा फिर मिसकम्युनिकेशन हो जाए। नेक्स्ट, राइट मैसेज इन द कैपिटल लेटर्स इन द मिडल, जब मैसेज की शुरुआत करते हैं तो बीच में क्लियरली लिखिए, बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में, बोल्ड में लिखना चाहें, और ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। और लास्ट क्या है, सिग्नेचर इज नॉट रिक्वायर्ड, सिग्नेचर के मैसेज में कोई जरूरत नहीं होता है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। अब दो तरीके से क्वेश्चन आता है, जैसे कि या तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि ये सिचुएशन है, इस व्यक्ति ने कॉल किया और ये उसने बोला है और इस मैसेज व्यक्ति ने मैसेज रिसीव किया और ये सब चीज़ के बेसिस पर आप एक मैसेज ड्राफ्ट कीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है, वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन यू हैव टू रीड एंड देन यू हैव टू ड्राफ्ट अ मैसेज। एक मैंने यहाँ पर एक सैम्पल के लिए एक एक्सरसाइज यहाँ पर रखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में, एक सरिता है और एक मिसेस संगीता है। सरिता फोन करती है, हेलो, मिसेस संगीता बोलती हेलो हु स्पीकिंग, कौन बोल रहा है, सरिता बोलती दिस इज सरिता स्पीकिंग, कैन आई स्पीक टू कनिष्क। अब किसी सरिता ने फोन किया, वो कनिष्क से बात करना चाहती है, कनिष्क ने की मदर ने फोन पिकअप किया, तो मिसेस संगीता क्या बोलती है, कनिष्क has gone for her tuition class, she will be back in 2 hours. कनिष्क अभी घर पर नहीं है, वो ट्यूशन क्लास के लिए गई हुई है, 2 घंटे बाद वापस आई। सरिता अब क्या बोलती है, एक्चुअली वी आर सेलिब्रेटिंग अवर ग्रैंड फादर्स बर्थडे एट अवर रेजिडेंस टुमारो एट 5:30 इन द इवनिंग, सो आई वॉन्ट टू इन्वाइट हर टू द पार्टी। देखिए ये एक्चुअल मैसेज है। सरिता क्या बोलती है, ठीक है आंटी, मैंने फोन इसलिए किया कि कल हमारे घर में ग्रैंड फादर का एक बर्थडे पार्टी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहाँ पर, अपने रेजिडेंस पर, कब, टुमारो, कितने बजे, 5:30 बजे शाम को, और मैं उसको कल इनवाइट करना चाहती हूँ। मिसेस संगीता कहती ओके दैट्स वंडरफुल, आई विल इन्फॉर्म हर अबाउट इट, जब वो वापस आएगी तो मैं उसको बता दूंगी। संगीता फिर बोलती है प्लीज टेल हर टू बी ऑन टाइम, उसको बोलना कि समय से आ जाए, लेट ना करे, थैंक यू भाई, और कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाता है। अब देखिए, अब इतने बड़े कॉन्वर्सेशन में जो कि 100
वर्ड से भी बहुत ज़्यादा है, इसको आपको प्रिसाइजली दो या तीन लाइन में लिखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसने कॉल किया? सरिता ने। फ़ोन के पिकअप किसने किया? मिसेस संगीता ने। तो सबसे ऊपर नाम, तो मैसेज में सबसे पहली लाइन किस क्या आएगी कि भाई सरिता ने कॉल किया, किस लिए किया। अब जो एक्चुअल मैसेज है, मैसेज क्या है कि भाई उसके घर में कल ग्रैंडफादर की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कहाँ पर है लोकेशन, उसका रेजिडेंस है, कब है, टुमारो, टाइम क्या है, 5:30। दूसरा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उसने क्या बात की कि उसको टेलर, प्लीज़ टेलर टू बी ऑन टाइम, उसको बोला कि टाइम पर आ जाए। इसमें तीन चार बातें ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैसेज कैसे ड्राफ्ट करते हैं, ये तो हो गया कॉन्वर्सेशन। उससे पहले हम बात करते हैं कि मैसेज का जो एक्चुअल फॉर्मेट है वो होता क्या है। देखिए मैसेज का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके का है, आप सबसे पहले लिखेंगे मैसेज कैपिटल लेटर्स में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। फिर डेट, डेट में डेट नहीं लिखते हैं, ये पोर्शन लिखते नहीं है, ये केवल बताने के लिए है फॉर्मेट, जैसे 15 नवंबर 2023 का डेट है। टाइम, जब आप मैसेज लिखेंगे टाइम, ये टाइम नहीं लिखेंगे, केवल टाइम लिख देंगे कि अभी कितने किस समय आपने मैसेज रिसीव किया। किसके लिए मैसेज लिखा है वो डिपेंड करता है कि आपका बेटा, भाई, बहन कौन है, उस हिसाब से आप उसको सैल्यूटेशन में डियर वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। फिर कंटेंट जो एक्चुअल मैसेज है तीन चार लाइन का वो लिखते 50 वर्ड्स में, और उसके बाद योर नेम अपना नीचे, और ये जो बॉक्स है इस तरीके का इसमें हम बॉक्स बना देते हैं। तो जो हमने कॉन्वर्सेशन पढ़ा उस कॉन्वर्सेशन के बेसिस पर हम अब मैसेज एक ड्राफ्ट करेंगे। वी हैव टू इंक्लूड ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मेट। चार चीज़ें याद रखिए, ऊपर मैसेज लिखना है, डेट और टाइम लिखना है, एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के एक्चुअल कंटेंट दो से तीन लाइन में, फिर एक लाइन छोड़ के अपना नाम, बस इतना ही लिखना है। अब बात करते हैं जी कि एग्जाम में आप मैसेज कैसे लिखेंगे। देखिए तो इस मैसेज को जो हमने कॉन्वर्सेशन पीछे पढ़ा उसके बेसिस पर इस मैसेज को ड्राफ्ट हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, यू विल राइट मैसेज इन कैपिटल लेटर्स, बिल्कुल बीच में, पेज के बीचों बीच में लिखेंगे, और उसके बाद डेट लिखेंगे। जैसे आज 10th नवंबर है, तो मैंने 10th नवंबर 2023 लिखा है, डेट नहीं लिखा, DAT डेट नहीं लिखा है, टाइम लिखा है 4:30 PM कि उसके आगे TIME टाइम नहीं लिखा है। तो डेट और टाइम नहीं लिखना, सीधा डेट लिखिए और उस टाइम लिखिए। किसने, किसके लिए आप ये नोटिस मैसेज लिख रहे हैं? कनिष्का, अपनी मदर जो है अपनी बेटी के लिए लिख रही है, डियर कनिष्का, ये सैल्यूटेशन हो गया। अब जो कंटेंट है 3 से 4 लाइन में, अब है क्या कंटेंट में उसमें, मैसेज जो ड्राफ्ट किया मदर ने, योर फ्रेंड सरिता कॉल्ड टू इनवाइट यू टू हर ग्रैंडफादर्स बर्थडे पार्टी एट अ रेजिडेंस टुमारो एट 5:30 PM। तुम्हारी फ्रेंड सरिता ने कॉल किया कि कल भाई तुम्हारे ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर की बर्थडे पार्टी है उसके घर पर, रेजिडेंस पर, कल अगले दिन शाम को 5:30। ये सारा इंपॉर्टेंट मैसेज था। दूसरा क्या था? दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज था, शी हैज रिक्वेस्टेड यू टू बी देयर ऑन टाइम, उसने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ टाइम से आ जाना। अच्छा, ये मदर लेटर मैसेज क्यों लिख रही है, वो वेट भी कर सकती थी, मदर जो है वेट भी कर सकती थी, लेकिन उसको किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना है, कुछ खरीदना है, सब्जी वगैरह कुछ खरीदनी है, इसलिए उसने फटाफट जल्दी से मैसेज लिखा। वो मेंशन भी करती इस बात को नीचे, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई सम वेजिटेबल्स, मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ मैंने सब्जियाँ वगैरह खरीदनी है। नीचे योर लविंग मदर, नाम लिख भी सकते हैं, नाम नहीं भी लिख सकते, या फिर केवल लविंग मदर, डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो ये मैसेज हो गया। आई होप कि अगर आप इस तरह से मैसेज लिखेंगे तो आपको कम से कम मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हैं। बात जो लास्ट पॉइंट है, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि भाई हम बॉक्स क्यों बनाते हैं। देखिए, जब ये आप बेसिकली एक नोटबुक पर या आंसर शीट पर ये जब आप मैसेज लिख रहे हैं, तो बॉक्स बनाना इसलिए ज़रूरी है कि वो बॉक्स एक्चुअली एक पेज को रिप्रेजेंट करता है जिस पर मैसेज लिखा गया है। सिंस द बॉक्स रिप्रेजेंट्स अ पेज इन द मैसेज, देयरफॉर मेकिंग द बॉक्स इज मैंडेटोरी। नहीं तो फिर जब ऐसे ही आप खाली छोड़कर चले आएंगे बिना बॉक्स बनाए, तो उसका भी मार्क्स होते हैं, उसके भी नंबर कटते हैं एग्जाम में, CBSE बोर्ड के एग्जाम में। तो ये बात को ध्यान रखना है कि इतनी मेहनत की और बॉक्स नहीं बनाया और बिना फालतू के आधा नंबर उसमें चला गया। तो बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है, सिग्नेचर ज़रूरी नहीं है, सब्जेक्ट के लाइन ज़रूरी नहीं है, डेट और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सैल्यूटेशन ज़रूरी है, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड कीजिए। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप मैसेज देने वाला अपनी तरफ से देना चाहता है दे सकता है, और बाद में उसको क्लोज कर दीजिए। तो ये था एक मैसेज का फॉर्मेट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर, अगर आपका कोई सजेशन है तो ज़रूर करें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।